अब सुखा को पुनर्जीवित किया और मुझे भी अपनी साहब ने बुलाया। मैं कुछ सर कुछ ऐसे ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा शहर के। मैं आपको अभी देखिए कम आज बहुत अल्प समय बुलाई थी, तो इस मीटिंग को जो है हम लोग अभी एक आध दो दिन में फिर रेड शेड्यूल करेंगे, तो हम पूरे शहर के लोगों को बाकायदा इन्वाइट करेंगे टाइम से, और उस पर बाकायदा बहुत सारी चर्चा आप लोग और करनी है। जैसे सूखा नाले पर जो रोड पड़ना है, एक तो उस पर स्वीकृत है जो अपने स्मार्ट सिटी में स्वीकृत, बट स्मार्ट सिटी का जो इधर वाला पूरा रोड है उस पर हमारे दो तीन तरीके का ऑफर है। उस सूखा नदी के इस तरफ बहुत सारे लोगों की ज़मीन है, मतलब जो सूखा नाले से इस तरफ, तो अगर वो हमारा जो है रिवर फ्रंट डेवलप कर दे तो हम उनको एक्सेस दे देंगे। आप समझो मैं ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल ओपन उसमें है ये कि सूखा नाले को सूखा नाले पे हमारा और हम सूखा नाले के उसमें जो है उसके बाद उनको पुल या वो दे देंगे कि वो पुल बना लें। तो बेसिकली अगर वो अपनी लैंड का डेवलपमेंट करना चाहते हैं और उसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो हमारा सूखा नाला रिवर फ्रंट डेवलप कर दें और हम उनको NOC दे देंगे और उनका पुल बन जाए। इसी तरीके से बाकी बहुत सारी चीज़ों पर 56 दुकान, जैसे 56 दुकान है इंदौर में, तो जो PHC के बगल वाली ज़मीन है वहाँ पे हम लोग अभी चूँकि प्रशासक नहीं है इस वजह से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है, अदरवाइज ये सारे प्रोजेक्ट अभी हम कर ले जाते हैं। तो वहाँ पे नगर पालिका की ज़मीन है वहाँ पे हम जो दुकानें निर्माण करेंगे चाहे वो 30 हो चाहे 40 हो, स्ट्रिक्टली केवल वो जो है फूड के लिए जाएंगे, मतलब फूड के लिए ही होंगी। तो पूरा फूड कॉर्नर एक तरीके से डेवलप होगा हमारा, वो एक फूड जोन डेवलप होगा। दूसरा जो ये पानी की टंकी है कलेक्टर बंगलों के आगे जाके उसके बगल ये चल रहा है, उसके बगल के जो क्वार्टर्स हैं सरकारी क्वार्टर्स वो वहाँ से हटा के, क्योंकि 76 क्वार्टर बनाए गए डेंसिफिकेशन में, तो वहाँ के क्वार्टर्स हम वहाँ से हटा करके और वहाँ पे हम एक चिल्ड्रन पार्क डेवलप करना चाहते हैं, होली पार्क जिसमें झूले लगे हों, वाटर फाउंटेन हो और वहाँ पे एक LED प्रोजेक्टर की व्यवस्था करके और मूवी जो है ओपन मूवी दिखाने का काम जो है वो कर सके। तो इस तरीके के थोड़े थॉट्स हैं आप लोगों से शेयर करने का, एक ही मेरा मकसद है कुल मिला के। हम ये चाहते हैं कि ये सब प्रोजेक्ट जो है आप लोगों को पता रहे, हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को ये आप लोगों को अंदाज़ा रहे कि हम क्या प्रयास कर रहे हैं और वो निरंतर आप लोग इसको जो है कराते रहें चाहे हम रहें चाहे नहीं रहें। देखो स्थानांतरण सरकारी व्यवस्था में एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है, वी डोंट नो हम कब तक रहेंगे, तो मैं ही करता रहूँ और लोगों को पता लगे तो कोई मतलब नहीं। जी आप चले जाएंगे तो नहीं नहीं वो चलेगी, इसीलिए तो आपको बता रहे हैं कि जैसे ये प्रोजेक्ट है तो इसमें हमने इतने DPR तैयार करा दिए, इतने प्रोजेक्ट तैयार करा दिए, बाकी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या हमारा प्रपोजल है, कहाँ कहाँ क्या बनना है। जो रीडेंसिफिकेशन में जिस दिन हमारा टेंडर होगा, टेंडर होते ही हम दोनों प्लेसेस चारों तरफ के प्लेसेस खाली करके हम उसको दे देंगे कि वो डेवलपमेंट अपना शुरू करें। बसरते शर्त हमारी, अभी हमने पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं है लेकिन हमारी शर्त यही होगी कि जो बिल्डर है जो भी रीडेंसिफिकेशन में आएगा अगर साधिकार समिति से अप्रूव हो जाता है और वो आते हैं तो पहले वो शहर के डेवलपमेंट के काम करेंगे और जब शहर का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तभी वो उसमें जो है काम शुरू कर सकते होंगे, जो मैंने पढ़ा नहीं है, पर वो उसमें विक्रय तभी कर पाएंगे जब वो जो है हमारा काम कंप्लीट कर लें। सो इट्स ओपन टेंडर, जब कभी होगा ओपन टेंडर होगा, बट वी आर प्लानिंग कि इस तरीके से यहाँ पे एक मॉल और बहुत सारी चीज़ें हो जाए। सूखा नाले पे अभी काम रुका हुआ है, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी हम क्यों नहीं कर रहे हैं। सूखा नाले पे अप्रोच ये है जो मिट्टी डाली गई है वो मिट्टी एक बारिश में सेटल हो जाए, तो बारिश में सेटल हो जाए तो उसके टेंडर वगैरह हम लोग अभी लगा देंगे जो बचा हुआ। अगर ये जो प्रपोजल है कि कोई सामने वाला आ जाए जिसको अपना ज़मीन का डेवलपमेंट कराना है, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कोतर कला के जो है लोगों से, वो ज़िंदगी भर लड़ेंगे, वो हाईकोर्ट यहाँ नहीं आएंगे मेरे पास, फिर भी मैं ओपन फोरम में बात रख रहा हूँ कि अगर जो है लोग अपने लैंड का डेवलपमेंट करना चाहते हो तो वो एडमिनिस्ट्रेशन और जो है उसके सामने प्रस्ताव रखें कि वो जो है पुल चाहते हैं। हमारी शर्त यह है कि वो हमारा रिवर फ्रंट डेवलप करेंगे और रिवर फ्रंट डेवलप करेंगे तो हम उनको पुल का परमिशन दे देंगे, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद कम है कि वो आएंगे, उनके बीच में बहुत डिस्प्यूट है, वो नहीं आएंगे। तो उसका दूसरा तरीका ये है कि फिर मैं नगर पालिका से स्वीकृत करके फिर रोड बना दूंगा, फिर मैं उनको हम लोग उनको ये लाभ नहीं देंगे। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि नगर पालिका का पैसा उसमें ना खर्च हो और लोग तैयार होकर के आएँ और वो अपना भी डेवलपमेंट करें और चाहे जितना फ़ायदा उठाए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट वो हमारा रिवर फ्रंट जो है डेवलप कर दे।
और मुझे उम्मीद नहीं कि वो आएंगे, एक दो बार उनसे किसी लोगों ने बोला है तो तैयार नहीं है, बट ओपन फोरम में मैं इसलिए कह दे रहा हूँ कि अगर अभी भी उनको लगता हो तो ये ऑफर है कि वो जो है हमारा रिवर फ्रंट डेवलप करें और हम उनको एक्सेस दे देंगे उसमें। अब आप लोग पूछ सकते हैं। अखिलेश जी लेट आए हैं ना, ये आपको दिखा रहे हैं थोड़ा सा, ये देखिए आप, आपके लिए ये नया कलेक्ट्रेट के बिल्डिंग है, थोड़ा पास ऑन कर दीजिए, पास से सब देख लें। और ये ऑडिटोरियम है जो प्रपोज्ड है। ये बिल्डिंग का काम करके क्या हो गया? अरे महाराज अभी एक बड़ी बिल्डिंग हम लोग बुलाएंगे, मनोज जी आए जी आगे, अब रहे दो ऐसी बात कर लेते हैं, छोड़ दो। अच्छा तहसीलदार साहब, सूखे नाले पे कल ये लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं। बिंद क्षेत्र के या बघेली न्यूज चैनल का अपना लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आपन सुझाव हमका अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।